देख रहे न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। पीएम मोदी ने आज से अपना चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। वो आज बिहार दौरे पे आए थे, इसके साथ ही उन्होंने जमुई में जनसभा को संबोधित भी किया। वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा वहाँ मौजूद थे। चिराग पासवान ने भी मंच शेयर किया था। बता दें कि पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर जम के निशाना साधा है। जमुई से लौटते हुए जब सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उन्होंने भी जमकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ बिहार को डुबाने का काम की है। 15 साल तक उन्होंने बस यही काम किया है। अगर युवाओं को रोजगार भी मिलता था तो वो रोजगार सिर्फ जमीन लेकर मिलता था। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। क्या दिखाती है, लेकिन बिहार सौभाग्य से कि 5-6 पीढ़ियों से जो है लेकिन उनका स्पष्ट मानना था कि कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। 15 साल तो कांस्टेंट रहा बिहार और लूटते रहे बिहार। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि नौजवानों को रोजगार भी जमीन लेने के बाद ही मिलता था इसी बिहार में। उससे बाहर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निकाला। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार और विकसित होगा, बिहार को और आगे जाने की जरूरत है। ने जिस तरह से कहा कि अभी ट्रेलर है, आगे और भी कुछ चाहिए। अभी रोजगार नहीं मिला, भारत को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। अरे चुप ही नहीं। और भारत कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता करने का प्रधानमंत्री जी काम। एक सवाल है सर, पप्पू यादव तो कांग्रेस में चले गए लेकिन नामांकन जो निर्दलीय से किए हैं कांग्रेस ने जो है उन्हें ये कर दिया है, कहा कि सुना आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने सीधे कांग्रेस पे निशाना साधा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ।